नमामि गंगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पहले जलमल शोधन केंद्र का लोकार्पण चुनार में किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गंदगी से खाद बनाने की योजना को देखने के लिए प्रदेश व देश भर से लोग आएंगे। जल शक्ति मंत्री ने FSTP का लोकार्पण करते हुए कहा कि गंगा किनारे मौजूद निकायों को गंदगी और पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने के अभियान का पूरा प्रयास रंग लाएगा। मिर्जापुर के लोगों को बीमारी से आजादी मिलने के साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता को सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपा गया है। चुनार में 10 KLD क्षमता के FSTP का लोकार्पण भव्य समारोह के साथ किया गया। चुनार में लोकार्पण समारोह में मीडिया से बातचीत करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। ये शोधन संयंत्र प्रदेश और देश भर में एक मिसाल कायम करेगा। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि स्वच्छता का कार्य करने वालों को देश के प्रधानमंत्री ने पैर धोकर उनका सम्मान किया था। सफाई कर्मचारियों का उन्होंने मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में ग्रामीणों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। चुनार के लिए नमामि गंगे के तहत 10 KLD के मल एवं गाद शोधन संयंत्र चुनाव में आज लोकार्पण हुआ है, इसका समारोह था। और ये महत्वपूर्ण है कि उसके गाद को निकाल, मल को निकाल कर बाहर उसे खाद का उपयोग हो, उसका उससे निकला हुआ पानी का उपयोग हो। ये पहली यहाँ चुनार के मतलब इस तरह राज्य के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नमामि गंगे तरफ से पहला है। आदरणीय मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना, आम जनता को जागरूक करना, पानी को कैसे बचाना और गंदगी को कैसे कम करना और गंदगी का भी उपयोग ठीक ढंग से कैसे हो सकता है, ये एक उदाहरण के रूप में साबित होगा। और ये संयंत्र राज्य के लिए उदाहरण बनेगा, देश के लिए उदाहरण बनेगा। लोग आकर देखेंगे, यहाँ के कर्मचारियों ने भी स्वीकार किया और जो स्वच्छता कर्मी इसको लाते हैं, ले जाते हैं, चाहे ड्राइवर हो टैंकर का, चाहे जो मल निकालने वाला है, वास्तव में सम्मान के लोग हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। और इसी कारण आदरणीय मोदी जी स्वच्छता कर्मियों का दिव्य और भव्य कुंभ में आकर पैर धोते हैं, यानी उनका सम्मान करते हैं। आप देखेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी जो मजदूर कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जो काम में लगे थे, जिसके कारण आज यात्री काशी में बड़े पैमाने पर आते हैं, एक होटल भी खाली नहीं है, एक रेस्टोरेंट खाली नहीं रहता है, इसका लाभ मिलता है। उन मजदूरों का भी सम्मान करने का, उनके साथ भोजन करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने किया है। इसलिए सभी का माध्यम से, समाज के माध्यम से, हम करें या न करें लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए और हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों ने, हमारे सभी लोगों ने किया है, इसलिए उसका उदाहरण हम सबको बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बीमार ना हो, इसके लिए PM मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत तमाम घरों तक शौचालय पहुंचाए, नदियों की सफाई का जिम्मा उठाया, ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि गंदगी से भी खाद बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लांट से निकलने वाले लिक्विड वेस्ट का इस्तेमाल फसलों की सिंचाई में किया जा सकेगा, खाद भी बनाई जाएगी। FSTP शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उन्होंने प्लांट का निरीक्षण किया और यहाँ के संचालन की प्रक्रिया को बाकायदा समझा भी। जल जीवन मिशन के तहत FT के महिलाओं ने उनको जल परीक्षण कर प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने परिसर में एक पौधा भी रोपा। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, उत्तर प्रदेश।